सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो फिर से भाई मैं लेके आ चुका हूँ ज़ेब्रोनिक के साउंड बार के ऊपर पे, जो कि भाई मैंने अभी खरीदा था ज़ेब्रोनिक का 7400 Pro 5.1, जो कि भाई दो सैटेलाइट स्पीकर साथ में एक सबवूफर के साथ आता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसकी बेस्ट सेटिंग आप लोगों को क्या करनी है बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए। तो इस पर भाई देख लो, आप लोग टीवी के साथ ही बजा सकते हो पहले तो बता दो, और अगर टीवी के साथ आप लोग लगाते हो तो एक चीज ध्यान पे रखियो भाई, HDMI ARC के साथ बजाना है अगर आपको प्रॉपर साउंड की फील चाहिए तो। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। और HDMI ARC देख लो भाई, ये आ रही है HDMI ARC, ये आ रही है। और इसके पीछे देख लो भाई, ये चेक कराता हूँ, इधर आओ भाई, इसके पीछे भाई आप लोग को मिलेगी, ये चेक करो, ठीक है, HDMI ARC। इसका मतलब अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस करना है साउंड क्वालिटी का तो आपको यही मिलेगी। इसको भाई, इसको हम इस पे लगा लेंगे और हमारे टीवी पे कनेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। और अगर आप लोग फ़ोन से बजा रहे हो तो फ़ोन से भाई आप लोग ब्लूटूथ से बजा लो, ठीक है। और क्योंकि इस पे ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करता है तो हमारी क्वालिटी पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा बजेगा भाई काफ़ी। और इस पे क्या सेटिंग करनी है वो बता दे रहा हूँ। रिमोट भाई हमें दिया हुआ है, रिमोट पे देख लो भाई म्यूज़िक, ये सब भाई इसके मोड से अलग अलग इक्वलाइजर है, समझो जो कि कंपनी ने प्री सेट करके दिए। म्यूजिक है, म्यूजिक है, मूवी है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, अलग अलग है भाई। ये सेंटर स्पीकर का, यानी कि इस पे भाई तीन स्पीकर है, एक दो तीन, एक सेंटर है। तो ये सेंटर को हम इस पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेंटर को भाई हमें इसको रखना है जीरो पे, ज़्यादा नहीं रखना। ये सराउंड है, सराउंड मैंने ये दोनों के साइड वाले सेटेलाइट स्पीकर जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको भाई आप लोग जैसा अगर पीछे माउंट करते हो तो आप लोग पीछे फुल कर लेना पाँच पे, अगर पीछे लगाते हो तो, आगे लगाते हो तो भाई इसको आप लोग रखना जीरो पे, ठीक है। और ये ट्रिबल है, ट्रिबल अपने अकॉर्डिंग भाई, आप लोग को ज़्यादा पतली आवाज़ चाहिए तो ट्रिबल, और ये सब वूफर है आपको कितना बेस चाहिए तो, ठीक है। वैसे मैं बेस को मैं फुल रखता हूँ पाँच पे, और ट्रिबल भाई रखूँगा मैं फाइव पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पतली आवाज़ भी पसंद है, ठीक है। और ये कुछ हो गया, उसके बाद अगर मैं कुछ सेट करना होता है तो भाई यहाँ से मैं कर लेता हूँ। अब देख लो भाई यहाँ पे इनपुट पे क्या क्या है, इनपुट पे दिया हुआ है जो कि भाई यहाँ पे ब्लूटूथ आ रहा है, देख लो BU, ये ऑक्स हो गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल हो गया, HD हो गया मतलब HDMI ARC, ठीक है, और ये फिर से दोबारा से ब्लूटूथ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पेयर वगैरह करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, और दिखा दे रहा हूँ भाई आप लोग को एक बारी, ये ब्लूटूथ पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इसकी सेटिंग है। बाकी आप लोग दो सराउंड स्पीकर है, कोशिश करो भाई दूर रखने की, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस तरीके का सेटअप कर सकते हो, बेस्ट सेटअप। अपना वूफर रख लो बगल में, बीच में रख लो साउंड बार, और अगल बगल दोनों रख लो भाई सराउंड स्पीकर। ये कुछ आप लोग सेटिंग रखोगे तो अच्छा गाना बजेगा, अच्छी क्वालिटी बजेगी। मैं अभी बजा के दिखा दे रहा हूँ आप लोग एक बारी लाइव कैसी इसकी क्वालिटी आ रही है। बाकी बजट में भाई मुझे बेस्ट लगा कि 7400 में इतना बढ़िया क्वालिटी मिल रही है। देख लो भाई वहाँ पे एक मेरे पड़ा हुआ है सोनी का HT-S20R, ठीक है, वो हटा के आपका भाई ये लगा रहा है कि उस, वो भी अच्छा है बट उसकी आवाज़ थोड़ी सी लो आती है, उसमें दूसरे रूम पे शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी इस पे भाई आप लोगों को प्रॉपर मैं अभी वीडियोस वगैरह बनाते रहूँगा तो एक बार सुन लो भाई इसकी क्वालिटी, भाई साउंड क्वालिटी सुनता हूँ। तार भी काफ़ी लंबी दी हुई है भाई कंपनी ने ना, ये चेक करो कैसी आ रही है आवाज, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है यार। नेक्स्ट लेवल, फर्क आ रहा भाई, फर्क देखो। मैं अभी यहाँ से ना अभी ट्रिबल को फुल करूंगा, देखना भाई आवाज़, देखना ट्रिबल बढ़ा दूंगा, ट्रिबल बढ़ गई ना, अभी ट्रिबल कम कर रहा हूँ, देखो भाई ये मैं अलग अलग मोड दिखा रहा हूँ, ये म्यूजिक पे है, मूवी पे भाई फर्क पड़ रहा है, ये न्यूज़ पे पूरी आवाज़ चेंज हो गई। अभी स्पोर्ट्स दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स भी अच्छा है बट मैं इसको हमेशा म्यूजिक पे रखता हूँ भाई। बाकी इस पे डिस्प्ले, ये देखो
डिस्प्ले ऑफ ऑन करने का भी दिया हुआ है। ये डिस्प्ले है ना, यहाँ पे देख लो, ये ऑन हो गया और हमें डिस्प्ले ऑफ करना है, ये डिस्प्ले ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भाई रिमोट भी काम करता है, देख लो भाई पॉज हो गया। तो आई होप गाइस सारा कुछ मैंने बता दिया इस वाले वूफर के ऊपर पे। बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना भाई, और वीडियोस आप लोग के लिए आ जाएगी जेब्रोनिक वाले साउंड बार के ऊपर पे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।